क्वेश्चन इन अ लास्ट टू क्वेश्चन कि नवाज साहब ने जो करना था वो कर दिया, कौम की अब क्या जिम्मेदारी है, कौम को अब क्या करना है? देखिए, कौम को गिला था कि लीडर नहीं करता, लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर ने फ्रंट किया, उसने स्टेडियम से बाहर छक्के मार दिए। अब पब्लिक की पुरजोर इसरार था, अब पब्लिक को उनको बैक करना पड़ेगा, और पब्लिक बैक कर रही है। कराची में नो आपने डाउट, देखा है पावर शो। देखिए, पीटीआई को तो प्राइवेटली वो ये बातें महफिलों में कर रहे हैं कि गुजरांवाला का शो बहुत अच्छा होगा, और हम कहेंगे कि हमें दिखाई नहीं दिया। ये इनके बड़े एक सीनियर काबीना के मिनिस्टर ने हमें ये पहले एतराफ कर दिया था कि भाई हमारी लाइन ये होगी कि हमें तो दिखाई नहीं दिया, हमें खाली कुर्सियां दिखाई देंगी। कराची का जलसा जो हमारी तवक्कुआत थी उससे बहुत बढ़ के था। मतलब जलसा गाह से बाहर लोग थे जो कि अंदर जिनको आने नहीं दिया जा रहा था, और जो मजार कायद पे प्रेजेंस थी। तो ये अब पब्लिक को बैक करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है पब्लिक, और आप देख लें, लेडी लेडी हेल्थ विजिटर्स को मत भूलें। जहां कोई जी लीडर नहीं है, जहां मरियम नवाज शरीफ नहीं है, जहां बिलावल भुट्टो नहीं है, जहां नवाज शरीफ की स्क्रीन पे स्पीच नहीं दिखाई देती दी जाती, वो हमारी बच्चियां क्या बोल रही हैं? वो तो नवाज शरीफ के एजेंडे पे नहीं है ना। जो बच्चियां उधर पांचवा पांच छठा जी दिन है वहां पे बाहर प्राइम मिनिस्टर साहब की नाक के तले बैठी हैं, क्या मांग रही हैं वो? वो क्या ये कह रही है कि मरियम नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दो? वो क्या कुर्सी की सियासत कर रही है? वो अपना हक मांग रही है। तो लोग तो इंडिविजुअली भी निकले हुए हैं, यंग डॉक्टर्स हैं वो निकले हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं वो गिला कर रहे हैं, इतने इश्यूज हैं, कारोबारी तबका है, पेंशनर्स हैं। तो ये सबको मेरा ख्याल है कि पीडीएम ने क्या किया है। ये पीडीएम बार 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 ये कहते हैं कि 11 जमाते 11 जमाते, ये 11 जमाते नहीं है, ये अवाम की सपोर्ट है, इनको लोगों की भरपूर सपोर्ट है। और लोग अगर पीडीएम किसी तरीके से भी बैक ट्रैक कर गई, जो कि अब कर ही नहीं सकते, देखें नवाज शरीफ ने इतना एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया कि उससे पीछे कैसे हट सकते हैं, हट ही नहीं सकते। और बिलावल भुट्टो ने भी आज बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन ली है। अब इधर से अगर वो यस हटेंगे तो कौम उनको छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल जी, हट कैसे सकते हैं? ठीक है, तो पब्लिक जो है वो तो चाह रही है कि आप इनको टर्म ना पूरी करने दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज तक अगर होता तो वो तो चाह रहे थे कि और ये एक्सपोज हो, लेकिन ये अवाम है जो कह रही है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, आज प्रोजेक्शन आई है अगले साल की, जी मनफी में है ग्रोथ, और बताया जा रहा है कि 1 तक शायद चली जाए। ये प्रोजेक्शन है, जरूरी नहीं कि हो जाए। आज आप अफगानिस्तान से पीछे चले गए हैं, अफगानिस्तान जो कि जंग की नजर हुआ, 40 साल हो गए, और आज आप अफगानिस्तान से पीछे चले गए हैं। तो ये अवाम 3 महीने और भी नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 3 महीने और है ही नहीं देने के लिए। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, 3 दिन का आटा किसी के पास नहीं है, आप कैसे 3 हफ्ते इनको दे सकते हैं? और ये तो इनको मार्च में जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक, मौलाना इनको साहब से बजट से जब पहले तक जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी से ऑलरेडी ताखीर हो गई, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल ठीक, अफगानिस्तान को आपने कहा ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान उनसे भी पीछे है, जाहिर है अफगानिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता ना, तो उनकी गुड लक है, वो इसलिए हमसे आ गए हैं। वर्ल्ड कप जीता था ना शुक्र, अफगानिस्तान ने तो उनका भी यही हाल होता। अच्छा, मौजूदा हालात में मरियम नवाज ने हर नए दिन नए चैलेंज को एक मुनफरद अंदाज और बेहतरीन अंदाज से टैकल करती हैं, रोज बरोज इनकी सियासी बसीरत में निखार आ रहा है, यही एक्सेप्ट कर रही थी आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो शख्स उनकी, जो मैंने बहुत दफा ये बात कही है, और अक्सर लोग कहते हैं कि जी, हालांकि मेरे साथ, अब देखिए, अगर दो लोगों की सोच एक जैसी हो तो उसमें क्या, मैं अक्सर देखती हूँ कि मैंने अभी कोई YouTube वीडियो किया होता है, ये ट्वीट की होती है, मैं उनकी ट्वीट देखती हूँ तो एक जैसी होती है। बात यह है कि जिसका आगाज एक मुनफरिद अंदाज में हो। देखिए, मैं बहुत बहुत बात ये बहुत बार ये बात कर चुकी हूँ कि मरियम नवाज शरीफ वो वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान की तारीख में जिसके ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते कि जी ये मिलिट्री की गोद की पैदावार है। आप नहीं